तो हाँ भाई यार, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे। आप लोग की लाइफ नंबर वन की चल रही होगी। तो देखो यार, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई मूवी के बारे में, जिसका आज प्रीमियर होने वाला है हिंदी डब में, जिसका नाम होने वाला है बड़वा रास्कल। और इसी मूवी का करेंगे रिव्यू, देखेंगे क्या देखने को मिला, इसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, इन सब बातों को बताएंगे डिटेल में। पर हाँ, इस इंट्रो के बाद तो अगर आपको पहले इसके स्टार कास्ट के बारे में थोड़ा बता दें, तो उसमें देखने को मिलने वाली है अमृता, साथ में धनंजय और इनसे अलग भी कुछ और भी अच्छे एक्टर सैंडलवुड सिनेमा की तरफ से। उसके बाद जरा बात निकल के आती है इसकी कहानी क्या है, पूरी स्टोरी क्या है। तो स्टोरी फोकस करती है इसकी एक शंकर नाम के कैरेक्टर के ऊपर, जिसने MBA किया है, और उसको यार कुछ गुंडे उठा लेते हैं और वो उन्हीं गुंडों को अपनी कहानी सुनाता है। अब उसकी कहानी में ऐसा क्या खास है और सुनोगे तो क्या सुनने को मिलेगा, इन सब बातों को जानने के लिए तो आपको देखना हो मूवी को। पर हाँ, अगर आप ये बात सुन के देखने का प्लान कर रहे हो, जाने के बारे में सोच रहे हो, तो पहले 2 मिनट यार वीडियो में रुक जाओ, पहले सुन लो मूवी की स्टोरी कैसे लगने वाली है, स्क्रीन प्ले कैसा है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, एक्टिंग कैसे देखने को मिलने वाली है, प्लस पूरी की पूरी मूवी कैसी है, इन सब बातों के बारे में। तो अगर पहले बात कर ले इसके कहानी से ही, तो देखो यार, कहानी को अगर एक शब्द में बोला जाए तो ये पूरी तरीके से फैमिली इंटरटेनर है, पूरी तरीके से, जहां पे आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के मूवी को देख सकते हैं, एंजॉय, जहां पे आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के मूवी को देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, हंस सकते हो, रो सकते हो, दोस्तों के साथ देख सकते हो। हर टाइप की ऑडियंस के लिए मूवी बनाई गई है, जहां पे रोमांस है, एक्शन है, कॉमेडी है और एक फैमिली वाला एंगल है, मतलब हर तरीके से, जिसको एक बोलते हैं ना टिपिकल साउथ की मास मसाला वाली मूवी, जहाँ पे आपको हर एक एंगल देखने को मिल जाता है छोटा छोटा रूप में, और एक छोटा सा पॉइंट देखने को मिल जाता है, उसी से अटैच होता है सारे एंगल। वही चीज़ यार ये मूवी भी करती है, स्टोरी वही चीज़ हमें रखती है। स्टोरी को अगर वैसे बोलें तो कुछ नया तो नहीं दिखाएगी, पर हाँ एंटरटेन करेगी, आपको हंसाएगी, कई जगह एक्शन अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो अगर बस आप एंटरटेन, तो बस अगर आप टाइम पास करने जाओगे, एंटरटेन होने जाओगे, तो हाँ ये चीज़ें अच्छी देखने को मिल जाएंगी। पर हाँ, कुछ नया की तलाश में जाओगे तो भाई नहीं, तो भाई यार नहीं, वहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको नया देखने को मिलने वाला नहीं है। अगर बात करें स्क्रीन प्ले के बारे में, तो देखो यार, जिस तरीके से लोग स्टोरी को रख रहे थे पूरा, वो अच्छा लगा मुझे, ठीक ठाक था। वैसे ये तरीका मैंने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है कि हाँ, गुंडे क्या करते हैं, हीरो को उठाएंगे, उसके बाद उसकी स्टोरी सुनेंगे, और बाद में जो होगा वो आपको पता ही है। तो वो चीज़ भी यार ये मूवी करती है, और ये तरीका बहुत पुराना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा नया तो देखने नहीं मिला। और स्क्रीन प्ले की जो राइटिंग थी वो भी यार लगभग ठीक ठाक थी, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं है, जिससे यार ऑडियंस का कनेक्शन हमेशा बना रहे। मतलब ये तो है कि मूवी आपको बोर करने वाली है, चाहे फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, दोनों में यार काफ़ी सारे ऐसे सीन आएंगे जहाँ पे आप मूवी को स्किप करना चाहोगे। ये चीज़ है जहाँ पे ये बोल सकते हैं कि स्क्रीन प्ले की राइटिंग थोड़ी और बेटर कर सकते थे। और ये भी है कि यार मूवी थोड़ी पुरानी है, 2021 की है, तो इस वजह से मुझे लग रहा हो मूवी का जो पूरा प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छा है। और अगर बात करें लोकेशन सीन की और एक्शन को जिस तरीके से कोरियोग्राफ किया गया, वो सब चीज़ें यार अच्छी हैं। कॉमेडी प्लस पॉइंट में आती है पूरे स्क्रीन प्ले के, और लगभग सबसे बड़ी प्लस पॉइंट वही है। अगर बात कर ले इसमें पूरे BGM के बारे में, तो मूवी के बैकग्राउंड स्कोर मेरे को ओके ओके लगा, काफ़ी सारे एक्शन फाइट सीन में थोड़ा लाउड था और वहाँ पे वो अच्छा लग रहा था, पर बाकी जो पूरा ओवरऑल BGM था वो ठीक ठाक था। अगर बात करें एक्टिंग के बारे में, तो मूवी में यार एक्टिंग में जो काम देखने को मिलता है धनंजय की तरफ से, वो अच्छा है, उनके काम आपको पसंद आएगा। उनका जो करेक्टर है शंकर का, वो भी आपको अच्छा लगने वाला है। उनसे अलग जो एक्ट्रेस है और इनसे अलग जो और एक्टर देखने को मिलते हैं, लगभग सभी काम यार ठीक ठाक लगा। तो ओवरऑल अगर बात कर लें पूरे मूवी के बारे में कि देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, तो देखो यार, अगर आप एक मास मसाला वाली मूवी देखना पसंद करते हो, इन्जॉय करते हो इन सब मूवीज़ को देख के, तो भाई देख सकते हो। वैसे यार ज़्यादातर इस समय हिंदी डब ऑडियंस इस ऐसी टाइप की मूवी को सपोर्ट करती है, देखती है, एंजॉय करती है, क्योंकि इस टाइप की मूवीज़ में आप हंस लेते हो, रो लेते हो, गा लेते हो, जो भी करना हो कर लेते हो, और जो आपका मूड है वो फ्रेश हो जाता है। तो अगर आपको इस टाइप की मूवी देखना पसंद है, तो भैया जाके एक बार देख सकते हो। कुछ नए की उम्मीद लगा के मत जाना, कोई बड़ा सस्पेंस ट्विस्ट नहीं है स्टोरी में। बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो मूवी यार ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच है, तो जाओ देखो, एंजॉय करो। अब देखते हैं ओवरऑल मूवी में कैसी डबिंग निकल के आती है आज रात 9 बजे। अगर कुछ खराब सुनने को मिलेगा तो कमेंट करके बता देंगे। बाकी मूवी आपको कल शायद RKD स्टूडियो पर देखने को मिल जाएगी, आज रात 9 बजे आपको सोनी मैक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो फिर जाओ देखो, एंजॉय करो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नए वीडियो साथ में।